आज मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, कैसे एक बच्चे को बिगाड़ सकता है। आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बच्चे को कैसे कॉन्फिडेंट बनाएंगे, बच्चे को कैसे स्मार्ट बनाएंगे, उसके इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएंगे, बच्चे का जो पढ़ने की जो क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव वीडियो। आज मैं ये बता रहा हूँ कैसे एक बच्चे को अपने बच्चे को बिगाड़ सकता है, कॉन्फिडेंट ना होकर के एकदम बिगड़ा हुआ बच्चा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वो कमिंग टू द पॉइंट, हम सुने होंगे ओवर पेरेंटिंग के बारे में, बहुत सारे पेरेंटिंग स्टाइल है, पॉजिटिव पेरेंटिंग है और नर्चरिंग पेरेंट है, परमिसिव पेरेंटिंग है, ओवर पेरेंटिंग है। सो टुडे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ओवर पेरेंटिंग का क्या पर? तो ओवर नर्चरिंग ओवर पेरेंटिंग हो जाता है। ठीक है, नर्चरिंग ठीक है, वो सारे अपने बच्चे को थोड़ा हेल्प करना, उनका सारे प्रॉब्लम्स में हमारा अटेंशन देना और उनको सपोर्ट करना बहुत अच्छा तरीका है, उसको करना ही चाहिए, वो नर्चरिंग पेरेंट का इसमें आ जाता है। बट ओवर पेरेंटिंग वही होता है कि बच्चे को अकेला स्कूल जाने नहीं देता है, चाहे 10वां क्लास में हो 12वां क्लास में हो, उसके साथ पीछे पीछे चले जाता है, उसमें डर है। क्योंकि बच्चे में कोई डर नहीं है, पेरेंट्स में डर है, पिताजी का डर है, माताजी का डर है, तो हमेशा उसके पीछे पीछे जाता है, स्कूल में छोड़ने आता है, बुलाने के लिए जाता है, और कई शॉप में जाएंगे तो पूरा लिख करके देंगे ये इतना अच्छा चावल खरीदना है, कौन सा चावल खरीदना है और कितना रुपया लगता है दुकान में, वो सारी चीज़ें लिख करके पूरा समझा करके बड़ा स्टोरी कहानी सवारा पूरा सिखा करके उसको शॉप में भेज देता है। तो वो रोबोट है, वो पूरा उधर जाएगा, पापा जिसे बताया उसे दुकान वाले को बताएगा, दुकान वाले जो देगा वो पैसा दे दिया वापस आ गए। तो इसी तरह का हम अपने बच्चे को बिगाड़ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे समाज में हैं। बड़े होकर के एक बैंक में जा करके अपना डिमांड क्या हो नहीं बता सकता है, और लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाता है, अगर ब्रांच मैनेजर बता रही कि ये सारी चीज़ें चाहिए तो ये सब कहाँ से मिलेगा, वो मैं कैसे कर पाऊँ, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, तो बहुत सारे सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस कम है, वो जा रहे तो ये सारी चीज़ें सुन करके चक्कर आने लगे, इसलिए बैंक पे जाएगा नहीं। तो इसी तरह का बहुत सारे लोग आपके फैमिली में होगा, आपके आसपास में होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में होगा, आप देख लीजिए इस तरह का आपके उनका पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स का पेरेंटिंग स्टाइल आप देख लीजिए, वो कैसे ये चाइल्ड को बिगाड़ दिया। तो इसी तरह का हम लोग ये सोचते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वो प्यार है, वो प्यार नहीं है, वो हमारे एंग्जाइटी है, हमारा प्यार नहीं है। बच्चे अकेला स्कूल जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे अकेला स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे को क्यों नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो बच्चे को अच्छा वो क्रॉस कर मतलब रोड क्रॉस करते कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, अच्छा इतने सारे बच्चे क्रॉस कर पा रहे तो हमारे बच्चे क्यों, वो तो मंदबुद्धि तो नहीं है, तो उसमें कोई वो फिजिकल इम्पेयरमेंट तो नहीं है, तो उस तरह का कुछ डिफेक्ट वगैरह होगा तो ठीक है, उसको थोड़ा हेल्प हो और थोड़ा सपोर्ट करने में। बट जो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल स्ट्रीम में आता है और उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसको अकेले जाने नहीं दे रहा है, तो ये इसलिए कि पेरेंट्स का जो एंग्जाइटी है, उसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं ना हम लोग, नेट में पढ़ते हैं, पेपर में भी, न्यूज़ चैनल में वगैरह सुनते रहते हैं, ये सब हमारा टेंशन में आ जाता है और उसके बाद हमारे बच्चे को कहीं भी नहीं जाने देता है, कुछ भी करने नहीं देता है। अच्छा वो टेंथ के बाद या प्लस टू के बाद कुछ सब्जेक्ट डिसाइड करना है, कौन सा ग्रुप में जाना है, कौन सा कोर्स डिसाइड करना है, तो पापा आप सामने बैठ करके अच्छा ये कोर्स तुम ले सकते हो बट इसमें ये प्रॉब्लम है, ये करेंगे तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेंगे तो तुम कंगाल बैठोगे, तुम्हारा लाइफ ऐसे हो जाएगा, इसे हो जाएगा, इसे हो जाएगा, अच्छा बच्चा बता दूंगा, ठीक है, तो ये कोर्स तुम चुन सकते हो, तुम चुन सकते हो अगर तुम चाहते हो तो, ये बहुत अच्छा कोर्स है, बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसमें लोग जाते ही नहीं है, उसमें लाइफ बहुत मतलब फैमिली लाइफ होता ही नहीं है, तो शादी करेगा तो भी किया तो करने के लिए कर सकते हैं, बट फैमिली में नहीं रह पाता, इधर उधर सब भागना पड़ता है, उधर ये सब सुनकर नहीं भागना, ठीक है, ये कोर्स भी बहुत बढ़िया है। तो इसी तरह का बच्चे को पूरा मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है,
ठीक है, और वो जो चाहते हैं, जो कोर्स वो पिताजी चाहते हैं वो कोर्स, ये बहुत अच्छा कोर्स है, ये तुम्हारे लिए सबसे सूटी है, ये सब बता करके वो बच्चा उसको डिसाइड कर लिया। उसके बाद लास्ट में वो बच्चा वो पढ़ नहीं पा रहा है और उसमें स्किल नहीं होगा शायद, वो जो टेक्निकल वो स्किल नहीं होगा, और उसके बहुत सारे स्ट्रगलिंग के बाद बोलते कि पापा आपने ना बोला ये कोर्स लेने के लिए, हम नहीं पढ़ पा रहे, तुम ही ना डिसाइड किया, मैंने ये सारे कोर्स तुमको दिखाया था और तुमने ये कोर्स डिसाइड कर लिया, उसके बाद तुम बोल रहे कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमारा क्या गलती है। तो इसी तरह का बहुत सारे पेरेंट्स हमको देखने को मिलता है आसपास, तो ओवर पेरेंटिंग बच्चे को बिगाड़ देता है। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ये वीडियो में एक दर्शन कॉपी को मैं पसंद किया, तो एक उसका डबल या ट्रिपल साइज का टेबल है हाइट वाइज, तो उसमें बहुत जल्दी घुट के ऊपर आ जाता है, इसे ही जिसे मैं मूव करता हूँ उसमें उतर जाता है जल्दी, वो अपने से करता है, बहुत एक्टिव पप्पी है, तो इसको मैं इनकैपेसिटेटिंग कर रहा हूँ, इसका जो स्किल है उसका कॉन्फिडेंस लेवल मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये ऐसे किया कि उसमें गले में पट्टी बांध करके वहाँ पर बांध करके एक दो बार वो गिर गया तो उसको समझ में आएगी इधर से हम निकल नहीं पाते हैं, ठीक है, ये टेबल है इसके ऊपर चढ़ नहीं पाता है, क्योंकि हर समय मैं उसके ऊपर उसको उठा करके रखा, वो खुद के अपने से जंपिंग करके ऊपर आ जाता था, बट वो आने नहीं दिया, मैं उसको उठा के ऊपर रखा, बार बार ऐसे किया ना तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल खत्म, इसके ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ क्या, मैं इतना छोटा हूँ मैं कर सकता हूँ, उसमें सेल्फ डाउट आ गया, ठीक है। उसके बाद वो खुद ऊपर उतरने का कोशिश किया तो गला में पट्टी लग गया, तो फिर डाउट करने लगा मैं इसमें से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, ये हमारा मालिक है, हमारा ट्रेनर है, वही मुझे उठा के नीचे रख सकता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल में ख़त्म कर दिया, वीडियो में आप देख लीजिए। उसके बाद में उसको पट्टी बांध करके हम खींच रहे तो नहीं आ रहा है, मुझे मत खींचो मुझे उठा करके नीचे रखो, वही कुत्ता चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं दो तीन बार उसको खींच कर बाहर निकाला तो उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा मैं कर सकता हूँ, अच्छा ये उतरने में ये प्रॉब्लम है तो इसको ये सारे चीज़ें ध्यान रखने में तो कोई टेंशन नहीं है, हम उतार सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे मैं मोड़ करता हूँ तुरंत खुल जाता है वो कॉन्फिडेंस लेवल, फिर वापस आ गया और अपने से ऊपर खुल सकता था कुत्ते, उसका मैं हर बार उठा के ऊपर रख कर करके उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। अभी आप देख लीजिए उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करके वो चिकन देख रहा है, और सिर्फ उसके सामने सिर्फ चिकन है और टेबल नहीं दिख रहा, इसलिए ऊपर आ गए तो सरप्राइज हो गया, क्या मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ अपने से, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता था ताकि हम समझ पाएंगे कि हमारे लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, इसी तरह का हमारे बच्चे को, हमारे ब्रदर को, सिस्टर को, और जितने भी हमारे साथ में जो लोग हैं उसको हम जो उनका स्किल बर्बाद कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन दबा दीजिए, और इस तरह का बहुत सारे वीडियो है हमारे और आने वाले हैं, और आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप फ्रेंड्स और फैमिली में बांट दीजिए। वी विल सी नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। बाय बाय।